नमस्कार, आज हम वेज मुगलई पराठा बनाएंगे। ढेर सारी वेजेस, पनीर और देसी मसालों की खास स्टफिंग से भरा हुआ। इसे आप गर्मा गर्म परोसें या टिफिन में रख दें, ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बनाएंगे। प्याले में 2 कप मैदा ले लिया है, ये आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, और ये आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से जो पराठे बनेंगे वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। 2 छोटे चम्मच ऑयल मिला लेते हैं सारी चीज़ों को, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसा नॉर्मल पराठे के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का डो बनाएंगे। यहाँ हमने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो पराठे बनाने के लिए 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं, लेकिन मुगलई पराठे मैदा से बने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये सॉफ्ट डो बना लिया हमने, और इतना डो बनाने में 1 कप पानी लिया था, 1/4 कप पानी बच गया है। इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। ये पैन, और इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून ऑयल, गरम कर लेते हैं। ये 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, फ्लेम को धीमा कर लेंगे, और ये 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1/2 कप ग्रेटेड गाजर, 1/2 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, 1/2 कप ग्रेट किया हुआ फूल गोभी। सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, इसमें आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, या जो नहीं पसंद हो उसे हटा सकते हैं, और इन्हें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाले डालते हैं 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, और 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप 1 छोटी चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हरा धनिया। इन्हें मिलाते हुए 1-2 मिनट भून लेते हैं। इसकी स्टफिंग को बस हल्का सा ही भूनिए, ज़्यादा बिल्कुल मत भूनिए, ज़्यादा भूनने से स्टफिंग ड्राई हो जाती है और फिर पराठा खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। ये 2 मिनट हमने इन्हें भून लिया है, और 1/2 कप ग्रेट किया हुआ पनीर अच्छे तरीके से मिला देते हैं। स्टफिंग तैयार हो गई, फ्लेम बंद कर देते हैं और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। डो को रखे हुए भी 20 मिनट हो गए हैं। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और अब इसे थोड़ा और मस लेंगे, और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया। तो अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। डो में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लेंगे और इसे गोल करके लोई बनाएंगे, दबा के पेड़ा बना लेंगे, और अब इसे बेलते हैं। सूखे आटे में इस तरीके से लपेट लेंगे और पतला बेलेंगे। जब ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा मैदा लगा लीजिए। इसे एकदम पतला बेलेंगे, जैसा कि आप चपाती बेलते हैं, और इसकी आप थिकनेस देखिए, पतला है काफ़ी। अब हमने जो स्टफिंग बना के रखी है उसमें से 4-5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे इसके ऊपर, ऐसे बीच में रख के थोड़ा सा चौकोर फैलाना है, और अब इस स्टफिंग को बंद करेंगे। इधर से उठाएंगे पराठे को, इस तरीके से ढक देंगे, कवर कर देंगे स्टफिंग को, और इधर से भी उठाकर इस तरीके से कवर कर देंगे। पूरा चारों ओर से ये कवर हो गया। अब थोड़ा सा बेलन की हेल्प से इसे बस जरा सा बेल देना है ताकि चिपक जाए, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये हमने पराठा बेलकर तैयार कर लिया। इधर हमारा पैन भी गर्म हो गया। इसमें डालते हैं हम 2-3 टेबल स्पून ऑयल। इस पराठे को हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, फ्लेम लो मीडियम रखी है, लो मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने देते हैं। ये नीचे की ओर से थोड़ा सा सिक गया है, इसे पलटते हैं, दूसरी ओर से भी ऐसी ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। पलटते हैं इसे, और देखिए कितना अच्छा ब्राउन सिका है इस ओर से, एकदम फूला फूला। दूसरी ओर से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे तलते समय पलटते रहिए, इससे ये चारों ओर एक जैसा सिकेगा।
ये दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे उतार कर रख लेते हैं और सारे पराठे इसी तरीके से तैयार करेंगे। बेलिए, भरिए, सेकिए और वेज मुगलाई पराठा तैयार। इसके साथ परोसिए धनिया पुदीने की चटनी और रायता। और कढ़ाई में देखिए अभी बहुत सारा ऑयल बाकी है, अभी दो पराठे और सिक जाएंगे। हमने इसे सैलो फ्राई किया है। वैसे साधारण पराठे को आगे पीछे चम्मच से तेल लगाकर सेकते हैं तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि इसमें तेल ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं ज़्यादा लगा है, लेकिन पराठा दोनों से बहुत ही खस्ता सिक कर तैयार हुआ है। वेज मुगलई पराठे सर्व करने के लिए तैयार हैं, एकदम खस्ता और खास स्टफिंग वाले, आपको बहुत पसंद आएंगे। और इन्हें बनाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पांच बातों का ध्यान रखना है। पराठे को पतला बेलें, स्टफिंग को हल्का भुनें, अच्छे तरीके से बंद करें और पराठा भरने के बाद उसे बहुत ही हल्के हाथ से बेलें। सेकते समय फ्लेम लो मीडियम हो, बहुत ही अच्छे खस्ता पराठे बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।